अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि पीपल पर आवर पे किस तरह के स्कैम्स चलते हैं। हर मार्केट प्लेस के ऊपर बहुत सारे स्कैम्स अवेलेबल होते हैं और इस मार्केट प्लेस के ऊपर भी काफ़ी सारे स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट कॉमन स्कैम ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे और आपको डायरेक्ट कहेंगे कि आप अगर इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ और वो टेलीग्राम का नंबर शेयर कर देंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि टेलीग्राम पे बुलाती है पर जाने का नहीं। तो आप लोगों ने इस तरह के लोगों को सिंपल रिस्पांस नहीं करना और इनको अवॉइड करना है। टेलीग्राम जहाँ पे देखें आप उस क्लाइंट को छोड़ दें, सिंपल स्ट्रेट, किसी भी तरह के लालच में ना आए, राइट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपको कुछ इस तरह की फाइल्स यहाँ पे शेयर करेंगे क्लाइंट्स, जिस तरह से कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करें या फिर इस लिंक पे क्लिक करें तो मालवेयर जो है वो आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आपका जो लैपटॉप है वो हाईजैक हो जाएगा। तो इसी तरह से रिसेंटली मुझे एक काफ़ी जो है सॉलिड स्कैम देखने को मिला, वो ये था। एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि मेरी एक PPT है, उसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इसको स्टडी करें। अब जब मैंने वो PPT ओपन किया, मतलब डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद जिप फोल्डर उसने भेजा था, जिप फोल्डर मैंने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर PPT की फाइल थी, लेकिन PPT का आइकन था। जब मैंने उसकी एक्सटेंशन देखी मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा क्लाइंट। मैंने राइट क्लिक करके इंफॉर्मेशन के अंदर जाके उसकी एक्सटेंशन देखी तो .exe एक्सटेंशन थी। इसका मतलब ये था .exe एक्सटेंशन रनेबल या इंस्टॉलेबल प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन होती है। तो कहीं पे भी आप देखें कोई भी फाइल आपके साथ शेयर हुई है तो उसके अंदर .exe हो एंड के अंदर, जिस तरह .jpg होता है, .png होता है, .exe हो तो आपने उस फाइल को कभी भी क्लिक नहीं करना, अदरवाइज आपका लैपटॉप हैक हो जाएगा। तो वो बिल्कुल लेजिट फाइल लग रही थी लेकिन एंड पे देखा तो .exe था, तो मैंने वो ओपन नहीं की। तो इस तरह के स्कैम से आपने बचना है। इसके अलावा और काफ़ी सारे स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपने उन सारे स्कैम्स को अवॉइड करना है और इस तरह के लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना कि क्या पता ये क्लाइंट लेजिट हो, क्या पता ये मुझे प्रोजेक्ट दे दे, ठीक है। तो जो भी टेलीग्राम पे बुलाएगा या फिर इस तरह की कोई भी फाइल आपको शेयर करेगा तो आपने उस क्लाइंट को अवॉइड करना है, बल्कि उसकी रिपोर्ट करनी है। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से सेफ एंड सिक्योर रहना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली और वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, एक्सप्लोरिंग।